दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एडू बगीचा और आज हम लोग डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि है हमारा पाचन तंत्र से संबंधित। सबसे पहले पाचन क्या होता है? तो पाचन किसी भी जटिल पदार्थ को तोड़कर और उसको सरल पदार्थ में बांटना या बदलना ही पाचन कहलाता है। इस पाचन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गेन जो है मदद करते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन जब मदद करते हैं इसीलिए उसको एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दिया जाता है, जिसमें ओरल कैविटी होता है, फूड पाइप होता है, स्टोमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। सबसे पहले इसको समझते हैं कि पाचन जो है जटिल पदार्थ को सरल और सूक्ष्म पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। यह एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। अब यहाँ समझने की बात है फिजिकल और केमिकल से कि पाचन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल कैसे है? तो फिजिकल इसलिए है क्योंकि दांतों के द्वारा इसे अच्छी तरह से कुचला जाता है, कुतरा जाता है। तो कुतरने का काम एक फिजिकल क्रिया है, एक शारीरिक क्रिया है, इसलिए इसको फिजिकल कहेंगे। और केमिकल तो है ही, चूँकि इसमें बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जठर रस से निकला हुआ रस है, बहुत सारे इसमें केमिकल सब्सटेंसेस मिलने के बाद ये होता है, इसलिए इसको फिजिकल प्लस केमिकल यानी इसको या तो कहें तो फिजियो केमिकल या फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसका मेन कार्य है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। और सबसे बड़ी बात है कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर का, विटामिन का और खनिज का इसका पाचन नहीं होता है। वाटर, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं, बल्कि इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डायरेक्ट इसको सोख लिया जाता है। पाचन होती है तो सिर्फ तीन चीजों की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की पाचन होती है इस सिस्टम के माध्यम से, जबकि वाटर, विटामिन और खनिज का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब आते हैं इसमें, हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है माउथ। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस होता है यानी स्टार्ट होता है माउथ से ही, मुंह से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रास नली, जिसको फूड पाइप या ओसोफेगस भी कहते हैं, ये ओसोफेगस की लंबाई मात्र 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम आहार नाल, फूड कैनाल की बात करें, तो फूड कैनाल यहाँ से लेकर और यहाँ तक आती है। तो टोटली फूड कैनाल की अगर लेंथ की बात की जाए तो वो 32 फीट होती है। अगर उसको मीटर में चेंज किया जाए तो अप्रोक्सीमेट 9 मीटर समथिंग होता है। तो फूड इसमें ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि आहार नाल कहे तब 32 फीट या 9 मीटर, और आहार नली या ग्रास नली कहे तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर। फिर आते हैं, इसी में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, और सैलिवरी ग्लैंड जो है तीन जोड़े में होते हैं, तीन पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड का। सैलिवरी ग्लैंड से एक सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो है सैलिवा निकलता है, और वही सैलिवा जो है जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में लार नामकरण करते हैं, उसको लार कहते हैं। तो सैलीवा का निर्माण जो है होता है। अब एक दिन में पर डे किसी व्यक्ति के अंदर कितना सैलीवा बनेगा, आइए डिस्कस करते हैं। ये जो है सैलीवा यानी कि इसको हम लोग कहेंगे लार एंजाइम, ये 1.5 लीटर पर डे यानी कि 1.5 लीटर पर डे एंजाइम बनता है, ये सैलीवा बनता है, लार बनता है। कभी कभी आप देखे होंगे, अब सोचेंगे कि लार का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो न केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में बल्कि पूरे पार्ट ऑफ लाइफ में यानी कि जिंदगी का भाग में एक सैलीवा का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। आइए समझते हैं ये सैलीवा का रोल क्या है। सैलीवा में एक
एंजाइम पाया जाता है, सैलिवा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं, जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम जो फूड में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। अब जरा देखिए कि फूड में बैक्टीरिया कहाँ से आ जाएंगे, तो कभी कभी कोई इंसान बिना हाथ धोए खा लेता है, या कभी कभी किसी के नाखून में गंदगी पहले से भरा होता है और उसी हाथ से वो खा लेता है, तो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। तो उस बैक्टीरिया का मारने का काम यही लाइसोजाइम करता है, जो कि सैलिवा में होता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि सैलिवा कितना इम्पोर्टेंस है। चलिए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी छोटे बच्चे को आप लोग देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर लार बनता है, बिल्कुल सही, किसी किसी में इतना ज़्यादा बनता है कि बाहर भी निकलने लगता है, सही है। तो अब उस सैलिवा का बच्चों में एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बच्चे जो है मिट्टी खा लेता है उठा के, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, उसको उठा के डायरेक्ट मुँह में डालेगा। वो तो ये नहीं जानता है कि कौन खाने वाला है कौन नहीं खाने वाला है, उसको जो मिल जाए, कंकड़ पत्थर मिट्टी पेन कॉपी मार्कर कुछ भी मिल जाए मुंह में डाले, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। तो सिस्टम देखिए कितना प्रॉपर वे से बना हुआ होता है कि वैसे जब बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो उसमें लाइसोजाइम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कि बच्चों में सैलिवा भी व्यस्क इंसान से ज़्यादा बनता है, एडल्ट मैन से ज़्यादा बच्चों में सैलिवा बनता है। तो जब सैलिवा ज़्यादा होगा तो लाइसोजाइम ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, और यही लाइसोजाइम जो है उस बैक्टीरियाज को मार देते हैं और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो सैलिवा की भाषा हम समझ लें। सैलिवा का दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये सैलिवा हमारे भोजन को जो दांतों द्वारा उतरने के बाद उसमें आके मिक्स होता है और मिक्स होकर भोजन को सॉफ्ट बनाता है, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं। जब भोजन दांत से उतर दिया जाता है, लार उसमें मिक्स हो जाता है, तो उस चीज़ को बोलस बोलते हैं, और बोलस को सॉफ्ट करने का काम यही लार यानी कि सैलिवा करता है। और हम कहते हैं कि यहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र शुरू होता है। अब आते हैं इस आहार नली के बारे में, आहार नाल नहीं, आहार नली। इस आहार नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ एक मार्ग है जो ये मुंह से लेकर और स्टोमक तक आने का रास्ता है, और दूसरा कुछ नहीं। तो इसकी लंबाई सिर्फ ध्यान रखेंगे कि 25 सेंटीमीटर होती है ग्रास नली की लंबाई। अब आते हैं स्टोमक में, और इससे स्टोमक से पहले इस जो तीन जोड़ी का जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, इसी तीन जोड़ी का नाम क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो सैलिवा में होती है वो पैरोटिड ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी सबलिंगुअल है, और तीसरी सब मेडिबुलर है। तो पैरोटिड सबलिंगुअल और सब मेडिबुलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पैरोटिड सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर पूछा जाए तो पैरोटिड है, क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा सबसे बड़ी ग्रंथि तब हम कहेंगे लीवर, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कह दे तब कहेंगे पैरोटिड। और यही पैरोटिड जो है ह्यूमन बींग में पैरोटिड होता है, जबकि स्नेक की बात करें, जहरीले जो सांप वगैरह होते हैं उसमें यही ग्रंथि जो है लार ग्रंथि पॉइजन का काम करता है, यानी सांपों में पैरोटिड ग्रंथि में ही पॉइजन होता है, समझ गए। चलिए अब इस एंजाइम के बारे में हम तो समझ ही गए कि लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, इसी सैलिवा में टाइलिन होता है जो कि स्टार्च का पालन करता है। क्वेश्चन पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कहते हैं टाइलिन पाया जाता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन यही करता है इसलिए टाइलिन इम्पोर्टेंट है। म्यूकस भी होता है, म्यूकस को नाक में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में, उसी को म्यूकस बोलते हैं। और म्यूकस जो है देखिए ये म्यूकस जो है इसका भी जो है हाफ लीटर पर डे एक ह्यूमन बॉडी में बनता है, पर डे हाफ लीटर बनना है। और म्यूकस का भी काम क्या है? भोजन को सॉफ्ट बनाना, यानी सॉफ्टनेस बनाने का काम करता है ये म्यूकस, ठीक है। चलिए तो इतना समझ गए, अभी फिलहाल हम फिगर के बारे में समझ जाते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग
स्टोमच के बारे में समझेंगे। स्टोमच में तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, देन थर्ड में क्या होता है, फिर ये लीवर जो है, गॉल ब्लाडर है, गॉल ब्लाडर का क्या काम है, फिर पैनक्रियाज का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भोजन आता है, फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन इस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो कैसे होता है, फिर ये रेक्टम में जाते हैं और एनस के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो बारी बारी से हम सारे पार्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये माउथ कैविटी या बकल कैविटी के बारे में समझ गए, चूँकि यहीं पे हमारा लार ग्रंथि होता है तो उसको भी हम समझ गए। फूड पाइप जो है या ओसोफेगस जो है, ओसोफेगस के बारे में हम समझ चुके हैं। इसके कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जाने का एक रास्ता है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जबकि बात करें आहार नाल की, यानी एलिमेंट्री कैनाल या फूड कैनाल की, तब ये होती है 32 फीट, या अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 9 मीटर होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर नए क्लास में। बाय।